क्या आपको आपके घुटनों में दर्द महसूस होता है? नी पेन आजकल हर एज ग्रुप का मसला बन गया, ना सिर्फ ओल्ड एज पेशेंट जिनमें आर्थराइटिस की वजह से हमें अमूमन नी पेन की कंप्लेंट रहती है, बल्कि यंग लोगों में स्पोर्ट्स इंजरीज की वजह से इवन बच्चों में भी हमें कॉमनली नी पेन की कंप्लेंट मिलती है। ऐसी कंडीशन में कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज हैं जो हमें करनी चाहिए? और ये कुछ एक्सरसाइज जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल फेवरेट भी हैं और इनसे आपको इंस्टेंट पेन रिलीफ भी मिल सकता है। ये वो सिंपल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हैं जिनसे हम नी ज्वाइंट को स्ट्रेंथन अप कर सकते हैं, और ये एक्सरसाइजेज आप इजीली अपने घर पर, अपने ऑफिस में, अपने काउच पर, बेड पर या चेयर पर भी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज में आपको सिंपली अपनी एक लेग को लिफ्ट करना है 30 एंगल तक, इससे ज़्यादा आपने प्रेसीड नहीं करना है। एंगल को यहाँ पर रखकर आप अपने लेग को होल्ड करेंगे तो आपको आपकी नी ज्वाइंट पर प्रेशर फील होगा। हम इस तरह से 5 to 10 सेकेंड्स तक जितना आपके लिए कंफर्टेबल हो इसको होल्ड करेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी लेग को रिलैक्स कर देंगे। अगेन आप इस एक्सरसाइज को 8 to 10 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। अपनी लेग को आपने सिंपली लिफ्ट करना है 30 एंगल तक, यहाँ पर होल्ड करें अपनी लेग को और वापस ले जाएं, और आप इसी तरह से दोनों लेग्स पर एक्सरसाइज रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको सिंपली अपने नी ज्वाइंट के नीचे थोड़ा सा गैप देना है। आप कोई भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास कुशन मौजूद है, आप टावल रोज यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक की कोई खाली बोतल घर पे मौजूद होती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अपने नी के नीचे आप कोई भी वेज रख सकते हैं। इस तरह रखने के बाद आपको सिंपली अपने नी ज्वाइंट को नीचे की तरफ प्रेस करना है, और जब आप प्रेस करेंगे आपको ज्वाइंट में स्ट्रेंथ भी फील होगी और आपका जो एंकल ज्वाइंट है, फुट है, वो भी ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा। आप सिंपली अपने नी ज्वाइंट को नीचे की तरफ प्रेस करें 5 to 7 सेकेंड, 8 सेकेंड तक इसको प्रेस किए रखें, उसके बाद आप इसको रिलैक्स कर दें। अगेन हम अपने नी ज्वाइंट को नीचे प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पर होल्ड करेंगे। आप इस एक्सरसाइज को 8 to 10 टाइम्स अगेन रिपीट कर सकते हैं, और आप दोनों जॉइंट्स पर इसी एक्सरसाइज को रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने सिंपली एक लूप बैंड लिया है, हम उसको यूज़ करेंगे अपने नी जॉइंट पर। अपनी लेग्स में इस बैंड को बांधेंगे, पहनने के बाद अपने नी जॉइंट्स को बाहर की तरफ जोर लगाएंगे। अगर आपके पास घर में कोई ऐसा लूप बैंड अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी इस पे टॉवल रोल कर सकते हैं, उसको फोर्स लगा सकते हैं बाहर की तरफ, या सिंपली आप अपने जो काउच के साथ या बेड के साथ दीवार है, आप उस दीवार पर अपने नी जॉइंट को मिलाकर उस पर भी जोर दे सकते हैं, ताकि नी जॉइंट की आइसोमेट्रिक और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो सके। सिंपली अगर आपके पास लूप बैंड अवेलेबल है तो आप इजीली एक्टिविटी कर सकते हैं। आपको अपने नी जॉइंट पर लूप बैंड को पहनना है और उसके बाद अपने नी जॉइंट को ओपन करना है जितना आप इजीली उसको कर सकते हो। अगेन यहाँ पे इसको होल्ड करेंगे कुछ देर के लिए और फिर हम इसको रिलैक्स करेंगे। हम फिर से इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे 8 to 10 टाइम्स, हम इसको रिपीट करेंगे और अगेन रिलैक्स करेंगे। इस तरह से आप सिंपली लूप बैंड को यूज़ करते हुए अपनी नी की आइसोमेट्रिक्स और स्ट्रेंथनिंग करवा सकते हैं। अगेन हम इसी तरह से दूसरी एक्टिविटी करेंगे। इसमें हम कोई भी ब्लॉक ले लेंगे, पिलो ले लेंगे, कोई कुशन या टॉवल रोल ले लेंगे, उसको हम अपने नी ज्वाइंट के बीच में प्लेस करेंगे। दोनों नीज में प्लेस करने के बाद हम इसको अंदर की तरफ अपने नी को जोर लगाएंगे और जहाँ पर इसको होल्ड करके रखेंगे। अगेन हम अपने नी ज्वाइंट्स को रिलैक्स करेंगे और उसके बाद फिर से हम इस ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पर फोर्स को हम सस्टेन रखेंगे कुछ सेकेंड्स के लिए और उसके बाद हम रिलैक्स कर देंगे। फिर से हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे 8 to 10 टाइम्स, हम इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें सिंपली आपको अपने दोनों नीज को फ्लेक्स करना है, इनको बेंड करना है, और उसके बाद अपने कमर को, अपने हिप जॉइंट को अपने ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। ये एक्सरसाइज कुछ लोगों के लिए थोड़ा हेक्टिक भी हो सकती है, स्पेशली ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए या सीवियर आर्थराइटिस के केस में, लेकिन यंग लोग या स्पोर्ट्स मैन इसको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। हम इसको इस तरह से परफॉर्म करेंगे, अपने हिप जॉइंट को ऊपर लिफ्ट करेंगे और आप देख रहे हैं अपनी बॉडी को, अपने मेंटेन करना है, यहाँ पर होल्ड करेंगे, उसके बाद हम इसको रिलैक्स करेंगे। अगेन हम इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे 8 to 10 टाइम्स, और अगर आप इस एक्सरसाइज को इजीली परफॉर्म कर पा रहे हैं और आप इसको मजीद इंटेंस करना चाहते हैं तो आप इसके साथ साथ अपने एक लेग को भी लिफ्ट कर सकते हैं। लाइक हमने एक नी पर फोर्स डाली हुई है और दूसरी लेग को हम इस तरह से लिफ्ट करेंगे, यहाँ पर इसको होल्ड करेंगे और उसके बाद हम इसको रिलैक्स करेंगे। इसी तरह से हम दूसरी लेग पर भी सेम एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। ब्रीथिंग एक्टिविटी परफॉर्म करें, साथ में अपनी एक लेग को लिफ्ट कर लें, यहाँ पर होल्ड करें और उसके बाद रिलैक्स करते हैं। अगर आपको नी पेन की कंप्लेंट है तो आप ये सिंपल एक्सरसाइज अपने घर पर कर सकते हैं और इससे आपको इंस्टेंट पेन रिलीफ भी मिल सकता है। लेकिन अगर आपका पेन कंट्रोल नहीं होता इन एक्सरसाइज को खुद से करने में,
तो हमारे पास जब पेशेंट क्लिनिक पर आते हैं तो हम उनकी असेसमेंट करते हैं प्रॉपर, और उसके बाद हम डायग्नोस करते हैं कि उनका नी पेन किस वजह से हो रहा है, और उसके बाद उनके सिम्टम्स को देखते हुए हम उनके लिए एक प्रॉपर स्पेशलाइज्ड प्लान डिज़ाइन करते हैं, जिसके बाद हम उन पर नासिर मोडलिटीज़ का यूज़ करते हैं, पेन को कंट्रोल करते हैं, बल्कि उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं और रिहैब एक्सरसाइज जो है हम परफॉर्म करवाते हैं। अगर आप या आपके आसपास किसी भी शख्स को नी पेन की कंप्लेंट है या किसी भी और मस्कुलोस्केलेटल पेन के इश्यूज आ रहे हैं, तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके क्लिनिक पर तशरीफ ला सकते हैं। थैंक यू सो मच।